हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप सिंह फ्रॉम ब्लू हॉक व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं चले कोरोना वैक्सीन लगान। सो गाइस, वन मोर थिंग, वीडियो पूरी जरूर देखियो। पूरे डे विच आफ्टर वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस रहा, और आफ्टर वैक्सीनेशन मैं बुखार होया जो भी है। और तो जी गाइस, तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो चुके हैं मुझे वैक्सीनेशन लगा के आगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा। सो हेलो गाइस, इट्स 9 PM। हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप सिंह फ्रॉम ब्लू हॉक व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं चलिया कोरोना वैक्सीन लगान। सो काफ़ी डाउट्स ने बंदियां दे, यूथ दे, भाई वैक्सीन लगाइए ना लगाइए, रजिस्टर करिए ना करिए। सो गाइस, लगवा लेनी चाहिए है। ये नहीं कि र्यूमर्स भी आके या कुछ भी, जो भी तुम अगर कोई क्वेरीज आ रही ने, कोई भी तुम अगर कुछ बोल रहे हैं, तुम ऑनलाइन सर्च करो, ठीक है? क्योंकि जो भी तुम कोई क्वेरीज आ रही ने, जो भी थोड़े माइंड में डाउट्स ने, तुम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो उसके ऊपर कि भाई ये चीज़ फायदा है या नहीं है। सो गाइज, सब तो पहले मास्क जरूरी है। सो मास्क के लिए आप रुमाल बनाएंगे। सो मैंने रजिस्टर करवाया से, तुम मैं लिंक पा दाँगा जिन्होंने नहीं पता डिस्क्रिप्शन में कि रजिस्टर कितने करना और स्लॉट किस तरह बुक करने ने। तो अज मेरा अपॉइंटमेंट से 11 to 12, 11 to 12 बजे के बीच, जो उन्होंने वेन्यू रखे सीगा उते। तो मैं और मेरी वाइफी और मेरे जो ब्रदर इन लॉ, उन्होंने भी अज अपॉइंटमेंट बुक हुई सी, क्योंकि जो 18+ ने उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करके हो रहा सिस्टम सारा। सो गाइज, डाउट विच ना फसो, गलों में ना आओ। अगर वैक्सीन तुम जो लगानी है तो लगा के आओ पक्का, कि उसके नाल ही नहीं कि तुम्हें कोरोना नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, होएगा भी तो वर्स्ट कंडीशन तक नहीं जाएगा, जिसे तक मैं स्टडी की है, जिसे तक मैं पता है। सो गाइस, तुम जा रहे हो उत्थे जाके तुम दसांगे कि सिस्टम से किदां सी। और कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन लगाने तों बाद भी कुछ फील हो रहा है, लाइक थोड़ा जा बॉडी अडैप्ट करते टाइम लगा रही है या कुछ भी फील हो रहा है। सो उसका भी एक्सपीरियंस दसांगे तुम्हें कैसा लग रहा है कि नहीं है। सो गाइस, लगाते हैं अं वैक्सीनेशन और दसदे हैं तुम्हें अगे अपडेट। सो गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो पूरी जरूर देखियो। पूरे डे विच आफ्टर वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस रहा, और आफ्टर वैक्सीनेशन मैंने बुखार होया है जो भी है, और मैं तुम्हें उसका रीज़न भी दसाँगा कि जे इनकेस किसी को बुखार हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है, रीज़न क्या है उसके पीछे। सो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो जरूर देखनी है, थोड़े से बहुत इनफॉर्मेशनल वीडियो होएगी। और हाँ, तुम र्यूमर्स तो बचोगे और थोड़ी हेल्थ वास्ते और थोड़ी फैमिली की हेल्थ वास्ते बहुत अच्छी वीडियो होएगी। सो पूरी वीडियो जरूर देखियो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो लाइक जरूर कर दियो जो तुम्हें अच्छी लगी। सो गाइज, वैक्सीनेशन इज डन, पता भी नहीं चला वैक्सीनेशन लगी है, बिल्कुल छोटी सी नीडल है, पता ही नहीं चलता लगाई है या नहीं लगाई। सो वैक्सीनेशन लगाने के बाद 30 मिनट्स उन्होंने 15 to 20 मिनट्स बिठा के रखा कि कोई बॉडी कैसा रख रहे, कुछ हुआ तो नहीं, वो देख के फिर वो भेज रहे हैं। तो अब मैं आपको पूरा शेड्यूल बताता रहूँगा कि मुझे शाम तक क्या क्या बॉडी में चेंजेस आई है, कुछ भी महसूस हुआ, बुखार हो रहा है, कुछ भी। और मेन जो रीज़न होता है गाइस इसके पीछे, बुखार के पीछे मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, जो मैंने पढ़ा था कि जो जब ये मतलब कि लाइक जो वैक्सीन हमारे अंदर जाती है, इट्स लाइक फॉरेन पार्टिकल्स हमारे ऊपर, है ना? तो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना बॉडी के लिए, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ये फॉरेन पार्टिकल्स समझ के उनके साथ फाइट करते हैं, उनको हराने के लिए, जैसे इम्यूनिटी जो हमारी होती है बॉडी की। वैसे तो वो फाइट के दौरान जब जो होता है हमें बुखार चढ़ता है या कुछ होता है ऐसे बॉडी, फिर जब बुखार होने का मतलब कि हमारी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया, और जो उसके फर्दर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे तो यही वैक्सीन या ये जो है ये उसे फाइट करेगी, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। तो यही रीज़न होता है बुखार चढ़ना इज़ गुड थिंग। तो ये नहीं है कि भाई बुखार चढ़ गया तो बॉडी में कोई वो हो गया, इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है इससे हमारी। सो गाइज, ये रीज़न होता है बुखार वगैरह चढ़ने का, जहाँ तक मैंने पढ़ा, हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्या गलत बोला है। तो अब मैं पूरे दिन आपको बताता रहूँगा शाम तक मुझे बुखार हुआ नहीं हुआ कुछ भी हुआ। और हाँ, तो गाइज स्टे ट्यून्ड, अभी पूरा व्लॉग चलता रहेगा आगे कि वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कुछ फील हुआ है नहीं हुआ है, कुछ भी बॉडी में चेंजेस आई
और बस ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड। हाँ जी गाइस, तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो चुके हैं मुझे वैक्सीनेशन लगा के आके, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी फील नहीं हो रहा फिलहाल, ना फीवर है ना कुछ है, तो पता नहीं क्या सिस्टम है। कईयों को हो रहा है फीवर, कईयों को नहीं हो रहा, कईयों को थकान महसूस हो रही है, तो कहीं ठीक है, मुझे तो अभी तक ठीक महसूस हो रहा है वैसे। सो लेट्स सी, रूमर्स में ना आओ, इंजेक्शन लगवा लो बेटरमेंट के लिए। और हाँ, कई बंदे कह रहे हैं यार इंजेक्शन लगा के भी कोरोना होता है, ये होता है, वो होता है। सो यार कोरोना होगा बट उसका वर्स्ट तक नहीं जाएगा इम्पैक्ट, ठीक है। आपने देखी होगी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है लंग्स पे क्या अफेक्ट कर रहा है, जिसको कोरोना वैक्सीन लगा हो और किसको कोरोना वैक्सीन नहीं लगा हो, उन दोनों का कंपैरिजन। दोनों को कोरोना हुआ है बट जिसको वैक्सीन लगा हुआ उसके लंग्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, नॉर्मल वायरल तक रहेगा, नॉट टू द वर्स्ट कंडीशन। सो लगा लो यार वैक्सीन, क्या जाता है। बाकी रूमर्स से थोड़ा बचो और घर पे रहो, सेफ रहो, खुश रहो। सो हेलो गाइज, इट्स 9 PM, तो मैंने सोचा ऑब्जर्वेशन दिखाया आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो गाइज आई एम फाइन, बिल्कुल फिट एंड फाइन, कोई पेन वगैरह कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं है। मेरी वाइफ को थोड़ा सा फीवर हुआ, उसके फ्रेंड्स को फीवर हुआ जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई थी, तो नॉर्मल सा 99 के आसपास का फीवर है, तो मुझे फिलहाल नहीं हुआ। बस थोड़ी सी पेन हो रही है लाइक आर्म पे, जैसे टेटनस का इंजेक्शन लगाने के बाद भी होती है, बाकी हो सकता है मुझे कल हो फीवर। तो इन नटशेल लास्ट में ये कहूँगा यार कि वैक्सीन लगा लो और फालतू के रूमर्स में ना पढ़ो। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको एक सिक्योरनेस फील होगी, सिक्योर फील करोगे कि हाँ भाई मैंने वैक्सीनेशन लगा लिया है, थोड़ा सा ठीक है हो जाता है ऐसे, क्योंकि इसका बड़ी ज़्यादा गेन होती है हर एक चीज़ में, ठीक है माइंड सेटअप की। तो अभी हालत ऐसे ही है मेरी, इसके में मैंने कहा चलो ब्लॉग एंड कर दें अब आपका। तो सो गाइस मेरी तरफ से येस है, आई एम ऑल फिट, ऑल फाइन, गुड टू गो। हो सकता है कल शायद फीवर हो थोड़ा बहुत, तो मेरी तरफ से येस है, वैक्सीन लगा लो। और मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए, सबके लिए, कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। सो गाइज बी सेफ, स्टे होम, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई नो काफ़ी देर के बाद व्लॉग डालना शुरू किए हैं और अब आगे लॉकडाउन है, कोशिश करेंगे बीच बीच में डालते रहें व्लॉग ऐसे वैसे। तो बी सेफ और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाहर निकलो सैनिटाइजर और मास्क पहन के निकलो, उसके बिना बाहर नहीं निकलो, ठीक है गाइस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।